ओम शांति। आइए स्वयं से बातें करें, मीठे प्यारे बाबा से बातें करें, डूब जाएं एक गहरे चिंतन में। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मस्तक मणि में आत्मा, चिंता मुक्त हूं। मुझ आत्मा को चिंता मुक्त शिव बाबा ने आकर बनाया है। चिंतन करें जिस आत्मा का रक्षक स्वयं भगवान आकर बन जाए, भला उसे चिंता किस बात की। शिव बाबा स्वयं मेरी नैया का खिवैया बन गए हैं। जिसका एक दर्शन एक झलक पाने के लिए भगत तरसते हैं, वो मेरा हम सफर बन गया। चिंतन कीजिए आज संसार में कितना दुख है। मनुष्य डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा सौभाग्य का सूरज उदय हो चुका है। मेरे जीवन की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने ली है। विचार कीजिए। फिर मुझे भला किस बात की चिंता होगी। बाबा ने मुझे असोचता बना दिया है।
कर्ण करावन हार बाबा, मुझसे हर कार्य करवाते जा रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त बन करती जा रही हूं। अब स्वयं को परमधाम में देखें। शिव बाबा को, प्राणेश्वर पिता को बहुत प्यार से निहारिए। जैसे जैसे मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूँ, बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाहित होती जा रही हैं। मैं आत्मा स्वयं को भी बाप समान अनुभव कर रही हूं। बाबा से ये शक्तिशाली किरणें लेकर अब मैं आत्मा भूमंडल तक फैलाती जा रही हूँ। ये शक्तिशाली किरणें समस्त संसार की आत्माओं को शांत कर रही है। ये शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैले हुए सागर तक पहुंच रही है और समस्त प्रकृति को भी शांत कर रही है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को
सर्व चिंताओं से मुक्त करके सच्चा सेवाधारी भी बना दिया। आपका पद्मा पदम गुना शुक्रिया है, शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति।